हाय गाइस, 2 अगस्त इज़ आर एग्ज़ाम डेट फॉर MH Law CET 5 years 2022। सो 2 अगस्त को एग्ज़ाम है, रफली 12-13 दिन बचा हुआ एग्जाम्स को लेकर के। इन दिस वी विल टॉक अबाउट व्हाट टॉपिक टू लीव एंड व्हाट टॉपिक टू प्रिपेयर। ओके, सेक्शन वाइज वी विल बी टॉकिंग, सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड दोज हु आर स्टडीड लास्ट मोमेंट योर प्रिपरेशन। आई होप सब ने मॉक टेस्ट तो लिखा होगा, अगर मॉक टेस्ट नहीं लिखा हुआ है तो ये गलती मत करो, जाके मॉक लिखो, ठीक है, एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। सेक्शन वाइज समझ में आ जाएगा आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है और कैसे प्रिपेयर करना है, चैनलाइज कैसे करना है, ठीक है। सो हाई वेटेज जो टॉपिक है आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। बिफोर आई प्रोसीड, एज दिस हैपन एवरी ईयर कि 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले लोग प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। पीपल हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर द ईयर 2024। सो एट मेनूअर वी हैव लॉन्च 2023 एंड 2024 बोथ द ईयर बैचेस। एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वॉन्ट टू स्टार्ट प्रिपरेशन, दैन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर फॉर लाइव क्लास ऑनलाइन को लेकर के। बट इफ़ यू आर मुंबई बेस्ट, यू कैन विजिट आर सेंटर दादर, बोरीवली एंड वसई। दिस आर द कम्प्लीट टीचिंग करिकुलम विच यू विल बी गेटिंग। ओके, तो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न, ठीक है। सो ओवरऑल 150 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, 120 मिनट में कवर करना है अपने को। एग्ज़ाम अपना कंप्यूटर बेस होगा ऑनलाइन, तो कोशिश करो कि सारे टेस्ट आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही लिखो। दूसरा, जो आप रीडिंग कर रहे हो वो भी आप अगर डेस्कटॉप पे करोगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एग्ज़ाम आपका डेस्कटॉप पे ही होने वाला है, ठीक है। अभी आउट ऑफ 150 क्वेश्चन मिनिमम आपका 75 आ रहा है क्या स्कोर, देखो कि मेरा ये स्कोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 50% अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है, अगर आपका स्कोर 50 के आसपास है, 55-60 के आसपास है, 60 ये स्कोर अगर आपका लेस देन 70 तो प्रॉब्लम है, मतलब 50% मार्क्स तो बनना चाहिए 75। अब यहाँ से अपनी गाड़ी पहुँचनी चाहिए 100 तक, अब यहाँ तक की जर्नी है 25 मार्क्स की, तो फर्स्ट आपका 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। सेकंड, फिर अपने को 100 टच करना है, उसके लिए 25 मार्क्स अपने को बढ़ाने होंगे। अब वो कौन से सेक्शन में बढ़ सकता है, किस टॉपिक में बेटर करके बढ़ सकता है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। इसके बाद जो कॉल आता है वो आता है 110 और फिर 120। 120 प्लस अपना आइडियल टारगेट होना चाहिए, बट उसके पहले 110 टच करो फिर 120। 110 से 120 का जर्नी जो है वो थोड़ा सा टफ है, बिकॉज मैक्सिमाइज करना है मार्क्स, वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। इफ़ यू आर हिटिंग 100 प्लस बट 120 नहीं जा रहा है, तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, सो आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन। सबसे पहले लॉजिक की बात करते हैं अपन। लॉजिक में ट्रेडिशनल, वर्बल, क्रिटिकल, एनालिटिकल, ये वाला टॉपिक जो है वो छोड़ दो आप, मैं अभी छोड़ने के लिए, अगर आज से प्रिपरेशन चालू कर रहा तो एक हफ्ता हुआ है चालू करके प्रिपरेशन, तो ये टॉपिक मैं छोड़ने के लिए स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट अब सब करने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अपन वो करते हैं जहाँ से अपना स्कोर बनेगा, तो अपना स्कोर बनेगा सबसे पहले एनालिटिकल की बात करते हैं। यहाँ से 20-22 क्वेश्चन आने वाले हैं, डेली का आपको 2-3 अरेंजमेंट और पजल ये सॉल्व करना है, ठीक है। लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, इसमें 5-6 सेट आपको एग्जाम में आने वाले, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट भी आएगा। तो आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट को लेके वीडियोस है उसको देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके वीडियोस है उसको देखो। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, आपके पास ई बुक, बुक जो भी है मेन्यूअर का, या तो जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो। मार्केट में अगर कोई बुक ले रहे हो तो वो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा, बिकॉज उसका लेवल सीटी का है ही नहीं। सीटी में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैनुअल के बुक में मिल जाएंगे या तो फिर टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, बट मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं है सच, या तो फिर आप क्लैट लेवल की प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको विदाउट फेल डेली बेसिस पे 2-3 अरेंजमेंट सॉल्व करने हैं। यहाँ पे अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ये दो टॉपिक चाहिए तो आप छोड़ दो। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है ऐसा, बट फॉर श्योर क्वेश्चन ये वाले एरिया तक आने वाला है। फर्स्ट 8 टॉपिक्स है, तो 8 टॉपिक ये है और 2-3 टॉपिक यहाँ पे, ये 10-12 टॉपिक लॉजिक के करने। डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक आप ट्रिगर करना चालू कर दो, आराम से इसी महीने में आप खत्म कर दोगे सारे लॉजिक, ठीक है। इसके साथ साथ एनालिटिकल का डेली का 2-3 पजल वो प्रैक्टिस, तो एटलीस्ट 12-13 दिन में आप अराउंड 25-30 पजल्स तो प्रैक्टिस कर ही लोगे। सो लॉजिक को लेकर के, व्हेन इट्स कम टू ट्रेडिशनल रीजनिंग, आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, 10-20-30 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़, ठीक है। तो अगर आपके पास लॉजिक का सेक्शनल कोर्स मेन्यूअर का है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास सेक्शनल कोर्स नहीं है यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। menuvario.com/law entrance पे जाओगे, वहाँ पे आपका फुल कोर्स है, सेक्शनल है, मॉक टेस्ट है, बुक्स है,
फुल कोर्स के अंदर एक और बेस्ट चीज़ है कि आपका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जो है फुल कोर्स है, उसके अंदर सारे मैथ्स इंग्लिश लॉजिक सबका वीडियोस है। बट अगर आपका प्रिपरेशन हो गया लॉजिक में प्रॉब्लम है तो यू कैन चेक आउट द लॉजिकल पार्ट। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर विद रिगार्ड्स टू लॉजिक। सब नहीं पढ़ना, इसको आप छोड़ दो। अगर ये जो टॉपिक हो गए हैं अब जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ के हो गया, तो एक ग्लांस सिर्फ आप वीडियो देख लो इन सबका, अगर टाइम मिलता है आपको तो फर्स्ट दो तीन वीडियो देख लोगे आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर करना भी है आपको वर्बल क्रिटिकल के अंदर, तो अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन, ये तीन टॉपिक बहुत हो गया। सिर्फ वीडियो देख लो, वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बट अगर टाइम नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हो, सब चीज़ अभी हम लास्ट मोमेंट पे नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश, इंग्लिश में सब कुछ करना है, और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सारे वीडियोस देख डालो, बिकॉज इंग्लिश का मेन फंडा ये है कि अगर आपको स्टेटमेंट रीड करके समझ में आ रहा है, पैराग्राफ समझ में आ रहा है, तो आप मार्क्स लेके आ पाओगे। बट अगर पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा तो उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो कैब अभी काम करने का टाइम नहीं है वो कैब पे। हाँ, ग्रामर के सारे रूल्स और वीडियोस मेनूअर के पोर्टल पे है, काइंडली गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। और हैंडआउट्स वाले सेक्शन में जाके 100 रूल्स का पीडीएफ दिया हुआ है, हैंडआउट्स है, उसको डाउनलोड करो एंड वॉच द वीडियो एज वेल, ठीक है। इसको बेसिस पे आपके 5 to 8 क्वेश्चन मिनिमम आने वाले ग्रामर को लेकर के। बाकी आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली का 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, वीडियो तो सारे देख के खत्म करो, एक हफ्ते में सारे वीडियो इंग्लिश के खत्म हो जाएंगे आपके। पैराग्राफ जंबल एटलीस्ट 3 to 4 पीजे वाले क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। इंग्लिश का लेवल 5 ईयर्स में बहुत ईजी होता है, इतना टफ नहीं होता है, तो आप अच्छा यहाँ पे मतलब अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो आप, ठीक है। वो कैप को लेकर के अभी वो कैप पे काम करने का टाइम नहीं है, बट हाँ सारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले वीडियोस और आपके मेनूअल के ई बुक्स में वो कैप वाले क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एक ग्लांस ले लो, ठीक है। तो ये काम इंग्लिश में करना है। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू एडिटोरियल पेज की रखो, एडिटोरियल पेज खाली रीड करते रहो, 1 घंटा यहाँ दो। तो इंग्लिश में कुछ छोड़ने जैसा नहीं है, अगर छोड़ना भी है आपको तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर सकते हो, और वोकैब ये छोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कितनी मर्जी लगा लो 10-15 दिन में वोकैब नहीं होने वाला, 1 लाख से ऊपर वोकैब है सबका, मतलब याद होना डिफिकल्ट है, तो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज जीके। अभी जीके में आपको स्टैटिक भी है और करंट अफेयर्स भी है, और पूरा पढ़ पाना इज़ डिफ़िकल्ट। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि स्टैटिक के वीडियोस हैं मेनूवर के पोर्टल पे, प्लस बूस्टर्स है, 1000+ क्वेश्चन का बूस्टर है, उसको गो थ्रू करो और वीडियोस देख लो आप, ठीक है। और जीके में कोशिश करना आप पॉलिटी वाले एरिया पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज वहाँ से लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चन आया था, पॉलिटी या एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपका लीगल वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला एरिया पे ज़्यादा फोकस करो। करंट अफेयर्स को लेकर के आप के मेनूअर के डैशबोर्ड पे वीडियोस दिया हुआ है वीक वाइज, तो एटलीस्ट 6 मंथ का, जैन से लेकर के जून मंथ तक का करंट अफेयर्स के वीडियो सारे देख के ख़त्म करो, प्लस 2000+ क्वेश्चन का बूस्टर्स दिया हुआ है, इतना डेटा गो थ्रू करो। अभी कुछ नहीं किया हुआ है तो इतना करके जाओ, अभी इतना करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सब पढ़ के हो गया, जीके में वी कैन नॉट से, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप इतना तो मिनिमम करके जाओ, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो इसका भी हैंडआउट्स दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब को लेके वो गो थ्रू करो। करंट अफेयर्स को लेके भी हैंडआउट्स दिया हुआ है, अगर आपको टाइम मिलता है तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स का हैंडआउट्स अगर इतना कर लेते हो, हैंडआउट्स तक कर लेते हो, तो काफ़ी डिसेंट लेवल पे स्कोर बनेगा। बट अगर हाँ वीडियोज़ और बूस्टर्स भी किया तो भी अपना एक डिसेंट लेवल का, एक ओके लेवल का स्कोर बनेगा। बाकी आप मॉक तो लिखना मत भूलना, बिकॉज मॉक के अंदर के भी जो जीके वाले क्वेश्चन वो भी प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके। तो इतना काम जीके में करना है, जीके में भी कुछ छोड़ने जैसा नहीं है, नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। सो अगर आपका पूरा पढ़ के हो गया, जीके में प्रॉब्लम है, तो जीके का भी सेक्शनल प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, और मॉक टेस्ट एंड ऑल दी अदर प्रोग्राम्स, ठीक है, तो यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर मैथ्स। मैथ्स जितने लोग सोच रहे हो छोड़ना है, तो नॉट एडवाइजेबल। आप ज्योमेट्री छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, यहाँ से नहीं करोगे कुछ भी चलेगा, बट ये टॉपिक्स मत छोड़ो। परसेंटेज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, रेशियो करना है, एवरेज करना है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बस इतने टॉपिक करो, क्वालिटी के इनक्वालिटी, बस इतने टॉपिक के वीडियोस देख लो मेनूअर के डैशबोर्ड पे मैथ्स वाले सेक्शन से, वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना मैथ्स में। 10 में से आराम से 6 से 7 मार्क्स अपने बन जाएंगे, तो कुछ भी छोड़ने ऐसा मैथ्स में नहीं है, बट हाँ अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करो। नेक्स्ट इज नथिंग बट लीगल। लीगल में भी कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, सारे वीडियोज़ देख लो मेनूअर के पोर्टल से, और मॉक फुल लेंथ मॉक लिखो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट ईयर ये हुआ था कि मॉक में से ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था मेनूअर के, सो दैट इज़ वाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड डू राइट ऑल दी मॉक टेस्ट, ठीक है। आपके लीगल के भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, जीके के भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, और आपको एक इंटरफेस भी मॉक को लेकर समझ में आएगा। और एट टू जॉइन दी प्रोग्राम, जस्ट लॉग ऑन टू menuedu.com वेबसाइट, गो टू बाय ऑनलाइन लॉ एंट्रेंस में आ जाओ, और यहाँ पे आपका सेक्शनल कोर्स एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, इंग्लिश का हो गया, आपका लीगल का हो गया, लॉजिक का हो गया, लाइकवाइज जीके, मैथ्स, वर्बल एंड क्रिटिकल। तो ये सेक्शनल प्रोग्राम
का लिंक है menuedu.com, इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप फुल कोर्स प्रोग्राम 5 ईयर्स का ज्वाइन करते हो, उसके अंदर वीडियोज भी है सारे सेक्शन को लेकर, मॉक और हैंड आउट्स, सो इसके थ्रू आपकी सारी प्रिपरेशन सारे सेक्शन को लेकर हो जाएगी। एंड मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो टॉपिक टेस्ट और ये आपका फुल लेंथ मॉक, ठीक है, ये सारे मॉक लिख के ख़त्म करो। डेली बेसिस पे अभी एक एक मॉक लिखना चालू कर दो। सो ऑल दिस प्रोग्राम लिंक आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो लुकिंग एट करंट सिनेरियो, जितना टाइम बचा हुआ है, आइसोलेट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर MSCET प्रिपरेशन, अवॉइड ऑल काइंड ऑफ सोशल मीडियाज, व्हाट्सअप, चैट एंड अदर गॉसिप वर्क विच इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करो, फुल फ्लेज में लग जाओ प्रिपरेशन को लेके। CET स्कोर will decide whether you will be in or out for the best law colleges for your career, तो वो स्कोर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो डू फॉलो द इंस्ट्रक्शन विच आई हैव गिवन यू। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। एंड टू जॉइन ऑल दी प्रोग्राम्स, यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एल्स यू कैन लॉग ऑन टू menuedu.com/lawentrance। प्रिपेयर वेरी वेल सो दैट वी कैन क्रैक CET विद गुड स्कोर, एंड दिस ईयर ओनली वी गेट द बेस्ट कॉलेज फॉर आर करियर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।